और चलिए सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। जब 3:30 बजे ही बैठक करेंगे। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज जो बैठक की गई उसमें COVID-19 के लॉकडाउन के जनपदों के बारे में उन्होंने चर्चा की और उन्होंने उसका पूरा डिटेल में रिव्यू किया। जो डिटेल में रिव्यू किया उसके अनुसार जो स्थिति आई है वो हम जरूर बताना चाहेंगे कि अब तक जो हमारे पास सूचना है 13,208 FIR धारा 188 में दर्ज कर दी गई। 13,208 कुल इसमें अभियुक्त हैं 42,359। बहुत अच्छा काम इसी एक्ट में किया है जहां 344 FIR दर्ज कर दी गई हैं और 436 लोगों को के विरुद्ध FIR दर्ज की गई। गाड़ियों की चेकिंग भी बहुत जबरदस्त रूप से हो रही है। आपको मालूम है लखनऊ में भी गाड़ियों की अब चेकिंग बहुत तेजी से की जा रही है। कुल मिलाकर 1,39,79,024 गाड़ियों की चेकिंग की गई है। कुल इसमें से 31 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जिनका चालान किया गया है और 20,287 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। अब तक 5,87,00,000 रुपया जो है चालान के रूप में जमा भी किया गया है। इसके साथ साथ जो है अब तक जो आज रिव्यू माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया उन्होंने जो हॉटस्पॉट्स थे उनका भी डिटेल में जो है रिव्यू जो हम लोगों ने पिछले 2 या 3 दिन में कार्रवाई की है उनका भी उन्होंने रिव्यू किया है और हॉटस्पॉट्स के रिव्यू के अनुसार भी जो है काफी तेजी से प्रगति हुई है और ये डिटेल भी जो है हम आपको प्रेस नोट के रूप में जारी कर देंगे और आपको बता देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने COVID-19 के नियंत्रण के लिए प्रभावित क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों के जांच के लिए भी निर्देश दिया है और ये भी कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा, नोएडा और सहारनपुर में जांच की सुविधा स्थापित की जाए और हर जिले के लिए जैसा कल बताया गया था सैंपल कलेक्शन सेंटर्स के लिए भी उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि आयुष विभाग द्वारा बचाव और उपचार के लिए एक नया ऐप विकसित किया जाए और साथ साथ जो व्यक्ति संस्थागत क्वारंटाइन में है यह भी निर्देश दिया है कि यदि उनके 14 दिन पूरे हो जाते हैं और नेगेटिव हैं तो उनको होम क्वारंटाइन में भेजा जाए। कोविड केयर फंड में इच्छुक व्यक्तियों को विदेशों से भी मांग आ रही है धनराशि जमा करने के लिए, FCRA की भी परमिशन शीघ्र मिल जाएगी तो यदि कोई व्यक्ति FCRA के विदेश से भी पैसा जमा करना चाहता है तो वो व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। हर हालत में राशन वितरण और बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग हो ये इंश्योर करना पड़ेगा। कुछ जगहों पर बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिला है, उस पर उन्होंने पुनः निर्देश दिया है जिले स्तर के अधिकारियों को और पुलिस के अधिकारियों को कि वो ये कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है वहां सख्त कार्रवाई की जाए। आपको मालूम है फेस मास्क पहनने के लिए एक पूरा जो है एडवाइजरी पहले जारी की गई थी, अब एक आदेश भी जारी कर दिया है कि फेस मास्क पहनना आपका अनिवार्य है। तो यदि आप फेस मास्क नहीं पहने हुए हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। हमारा प्रयास है जन सहयोग लेकर सबको फेस मास्क पहनाए। आपका भी दायित्व है हमारे मीडिया के साथियों का कि अपने सभी चैनल्स के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों से जो है उनको प्रोत्साहित करें कि वो फेस मास्क का उपयोग करें। फेस मास्क ना हो तो गमछा हो, गमछा ना हो तो कपड़ा जो है हो या दुपट्टा हो, महिलाएं हैं तो दुपट्टा भी लगा सकती हैं जिससे कि किसी भी रूप में फेस कवर्ड रहे। आज APC साहब ने हमें बताया है कि कुल फल सब्जी के डिलीवरी के लिए 13,823 मोबाइल वैन जो है
मोटराइज वैन लगाए गए हैं और 28,524 ठेला या हाथगाड़ी लगाई गई। कुल मिला के 42,347 वाहनों से वितरण किया जा रहा है। 42,347 42,347 पहली बार दूध का उपार्जन पूरे प्रदेश में जो हमारे डेयरीज के माध्यम से होता है 50 लाख लीटर दूध का उपार्जन हुआ है 50,97,870 और इसमें से वितरण जो है तरल दूध का 33,72,914 लीटर हुआ है। 19,131 लोगों ने इसका वितरण डोर टू डोर किया है। किराना स्टोर्स जो है 20,284 स्थापित की गई हैं और उनमें भी लगभग 48,679 होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। राशन कार्डों का भी जो है काफी हद तक वितरण अब तक किया गया है और अब तक कुल मिलाकर जो है कुल प्रचलित जो राशन कार्ड है 3,50,99,976 में से यानी लगभग 3.5 करोड़ राशन कार्ड में से 2,75,59,190 यानी लगभग 80% से ज्यादा जो है राशन कार्डों पर वितरण हो गया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2,75,59,190 जो है राशन कार्डों से वितरण किया गया है। कुल 3.5 करोड़ राशन कार्ड में से लगभग 80% से ज्यादा काम हो गया है। ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इन राशन कार्ड्स के माध्यम से फ्री राशन भी बांटा गया है, इसके माध्यम से जो अंत्योदय का राशन भी बांटा गया है और जो कर्मकार हैं रोजगार करते हैं लोग उनको भी बांटा गया है। धार्मिक संगठनों के माध्यम से अब तक जो है 2037 कम्युनिटी किचन से 7,27,595 फूड पैकेट बांटे गए हैं। जिला प्रशासन के माध्यम से 775 जो है कम्युनिटी किचन से 4,60,000 फूड पैकेट बांटे गए हैं। कुल कल 11,88,276 फूड पैकेट बांटे गए हैं और मुझे बताकर खुशी है कि कल तक पूरे प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा कुल इतने दिनों में फूड पैकेट बांट दिए गए हैं। जो हॉटस्पॉट्स थे उनमें जो है हम बताना चाहेंगे कि उनमें भी वितरण की व्यवस्था अलग से कर दी गई है। हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में जो है जो 15 जनपद के हॉटस्पॉट हैं उनमें जनसंख्या लगभग 5,31,000 है और वहां पर भी 265 डोरस्टेप डिलीवरी मिल्क बूथ के डिलीवरी और 446 फल और सब्जी के डिलीवरी और प्रोविजन स्टोर के 453 डिलीवरी के पॉइंट्स और व्यक्तियों के माध्यम से जो है इनका वितरण किया गया है। इन हॉटस्पॉट्स में भी जो है सामुदायिक जो किचन है 41 उनसे फूड पैकेट्स भी इनमें जो है वितरित किए गए। ऐसे में बहुत अधिक कार्य हुआ है। औद्योगिक विभाग के माध्यम से अब तक जो है कुल मिलाकर 28,599 इकाई 31,377 में से 28,599 इकाइयों में 368.07 करोड़ रुपए का वेतन का भुगतान किया गया है। ये बहुत बड़ा जो है उपलब्धि है पूरे देश में। यूपी के इस मॉडल में जहां फैक्ट्रीज के माध्यम से पेमेंट कराया गया है वहां के कर्मियों का, ये मॉडल जो है पूरे भारत सरकार ने भी इसको लागू किया है। 2,778 इकाइयों में भुगतान की कार्रवाई जल्दी करा दी जाएगी। जो बंद इकाइयां थी कुल मिलाकर 4,682 इकाइयों को शुरू कर दिया गया है और इनमें भी जो है जहां भी पास की व्यवस्था नहीं हो पाई थी वो अपने निकटस्थ जिला मजिस्ट्रेट या GMDIC के माध्यम से जो है अपने पास की व्यवस्था कर सकते हैं। निर्माण कार्यों में आपको मालूम है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 लाख अब तक 9,000 लोगों को जो है उनका निर्देश था 1,000 रुपया वितरित करते हुए 120 करोड़ रुपया जो है अब तक वितरित कर दिया गया है। आज एक कार्यक्रम भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने
जो है उस कार्यक्रम के माध्यम से भी विशेष रूप से जो है अर्बन क्षेत्र के जो लोग हैं उनको जो है वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, जिसमें दैनिक रूप से कार्य कर रहे लोगों को धनराशि दी गई है। लगभग इस अवसर पर आज जो सुबह 10 बजे कार्यक्रम हुआ है 2,19,318 लाभार्थियों को 1,000 रुपया दिया गया है, यानी जो है अब तक 4,81,755 लाभार्थियों को धनराशि दी गई है। आज जो लाभार्थियों को धनराशि दी गई है उसमें पटरी दुकानदार भी है, दिहाड़ी मजदूर भी है, रेलवे की कुली भी है क्योंकि वो भी बेरोजगार है, कंटोनमेंट क्षेत्र में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर भी है। आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सीधे वाराणसी, लखनऊ, झांसी, कानपुर, गोरखपुर के एक एक लाभार्थी से संवाद भी किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम जो है आज आयोजित हुआ है। मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन का विशेष जो है उसका उपयोग किया ही जा रहा है, और हम आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन के माध्यम से हजारों हजार लोगों को जो है राहत की जो है सांस मिली है और उनसे जो है सीधे हम संपर्क करने में हमको फायदा मिला है। हम इतना जरूर बताना चाहेंगे कि जो राजस्व विभाग के जो शेल्टर होम्स हैं, जो उनके माध्यम से अब तक जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनकी संख्या भी अब काफी अधिक हो गई है। अब कुल राजस्व विभाग के 5,200 क्वारंटाइन आश्रय सेंटर्स हैं, जिसमें 1,25,989 लोगों को जो है उनमें स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो अभी तक राजस्व विभाग के माध्यम से कार्य किया गया है उसमें बहुत सारे कंपनीज ने भी जो है अपना योगदान दिया है। हायर कंपनी है, इन्होंने जो है इन जो आश्रय स्थल है उनके लिए 75 जनपदों में LCD टीवी दिया है, फ्रिज दिया है, डीप फ्रीजर दिए हैं खाने को सुरक्षित रखने के लिए। प्रिया गोल्ड जैसी कंपनी है उसने बिस्किट दिए हैं श्रावस्ती और बहराइच में। ब्रिटानिया जैसी कंपनी है उसने गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में जो है बिस्किट बांटे हैं। उन्नति की एक IT टीम है, उन्होंने 200 लीटर हैंड सैनिटाइजर हरदोई में दिया है। टी वैली करके कंपनी है, उन्होंने 900 ग्राम चाय दी है नोएडा गाजियाबाद में। मनु ऋषि दौराला शुगर मिल है, उन्होंने भी हैंड सैनिटाइजर बांटा है। ITC सोप ने 30,000 सोप के बार्स दिए हैं। ज्ञान डेयरी ने 11,00,000 रुपए का चेक इनके लिए दिया है। सीग्राम कंपनी है, उन्होंने 5 वेंटिलेटर और 10 ICU बेड और मैट्रेसेस भी दिए हैं। एलेंटेक कंपनी है, उन्होंने डिस्पोजेबल बेडशीट्स भी दिए हैं। महिंद्रा कंपनी है, उन्होंने मास्क और फेस शील्ड दिया है। शोध रिसर्च इंटरवेंशन हैं, इन्होंने शामली डिस्ट्रिक्ट में मास्क और सैनिटाइजर दिया है। डायमंड सीमेंट है, उन्होंने भी जो है झांसी में जो है योगदान कर रहे हैं। शुद्ध प्लस हाइजीनिक प्रोडक्ट्स हैं, ये गोरखपुर में अपना योगदान करेंगे। इनर व्हील राउंड टेबल है फूड आइटम्स, ये 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में दे रहे हैं। इस तरह से बहुत अधिक कंपनीज ने अपने CSR में भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, और हमारा आह्वान है कि बड़ी जो कंपनीज हैं जो भी CSR में अपना योगदान देना चाहें राजस्व विभाग से वो अपना संपर्क करें और अपना योगदान वो दे सकते हैं। मैं इस अवसर पर पुनः कहना चाहूंगा कि जो हॉटस्पॉट्स के एरियाज हैं उस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जो UP मॉडल हॉटस्पॉट्स का है उन हॉटस्पॉट्स में ये व्यवस्था है कि हर हॉटस्पॉट में एक मजिस्ट्रेट होगा, एक पुलिस ऑफिसर होगा, हर हॉटस्पॉट्स में बैरिकेडिंग होगी, गेट्स लगाए जाएंगे, हर हॉटस्पॉट्स में गाड़ियों की चेकिंग होगी, चालान होगा, व्यक्तियों की चेकिंग होगी, अगर वो नहीं मानेंगे तो उनका भी चालान होगा। हर हॉटस्पॉट्स में हम दूध की व्यवस्था, फल सब्जी की व्यवस्था, किराना स्टोर की व्यवस्था भी हॉटस्पॉट्स में सुनिश्चित करेंगे। हॉटस्पॉट्स पर अखबार ले जाने की छूट रहेगी, वहां पर वो भी निर्धारित होगा, पहले से तय करना पड़ेगा और पहले से तय करके कार्रवाई की जाएगी। और हॉटस्पॉट से जो भी व्यक्ति क्वारंटाइन में है उनकी लगभग अब हर जिले से जो है 100% चेकिंग की जा रही है, जिससे हमारे हॉटस्पॉट्स के माध्यम से जो है कार्रवाई करते हुए इन एरियाज को कंटेन अगर कर लेंगे तो पूरे प्रदेश का डिजीज लोड कम हो जाएगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 15 जो हमारे जनपद हैं इनके हॉटस्पॉट से ही केवल 300 कोविड के केसेस आए हैं,
यानी 3/4 केसेस जो है हमारे हॉटस्पॉट्स के 15 जनपद थे, और जिन अन्य जनपदों में भी हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं वहां लगभग 50 केसेस और आए हैं, तो लगभग 75% केसेस विद इन द हॉटस्पॉट्स है। तो जितनी जल्दी यहाँ जो है लोगों का सहयोग मिलेगा, पूरे प्रदेश को जो है इस पूरी लड़ाई में लड़ने में आसानी होगी। तो हॉटस्पॉट्स में हम सबका सहयोग चाहेंगे, पुलिस का, प्रशासन का, वहां के हेल्थ ऑफिसर्स का, वहां के सप्लाई से जुड़े हुए लोगों का, और मीडिया का भी हम सहयोग चाहेंगे कि इन एरियाज में पूरी तरह से कार्रवाई हो। आप हमारे आंख ना कान है, यदि कहीं कमी है तो आप पॉइंट आउट हमसे सीधे कर सकते हैं, हम उसको दूर कर सकेंगे। जो फेक न्यूज पे कार्रवाई है वो निरंतर जारी है और उसमें भी हम कार्रवाई करते रहेंगे। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अपनी बात रखने का कष्ट। अभी एक पहले धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज आपके माध्यम से जो हमारी मेडिकल की टीम कोरोना वायरस के मरीजों के देखभाल में चिकित्सा में लगी हुई है, और जो हेल्थ केयर की टीम फ्रंटलाइन पर लगातार सर्वेलेंस और कंटेनमेंट का काम कर रही है, उसका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश में। अभी तक जो प्रदेश की स्थिति है, हमारे प्रदेश में कुल मिलाकर के 431 केसेस हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस, जिनमें से 32 मरीज पूर्णतया ठीक हो चुके हैं, पूर्णतया ठीक होने के बाद उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। आइसोलेशन वार्ड में इस समय 459 मरीज हैं जो विभिन्न अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेज में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जो मेडिकल क्वारंटाइन है उसमें इस समय 8671 लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, 8671 उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है मेडिकल क्वारंटाइन में। जो अभी तक सैंपल जिनकी टेस्टिंग हुई है वो 9041 सैंपल लोगों के टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से 8250 निगेटिव आ चुके हैं, 431 पॉजिटिव बताया था मैंने और बाकी के टेस्टिंग के प्रोसेस में है। कुल आइसोलेशन बेड जिनकी व्यवस्था प्रदेश में कर ली गई है उसकी संख्या 9442 और कुल क्वारंटाइन बेड की संख्या 12119। लेवल वन के ये आप जानते हैं, आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि हमने एक त्रिस्तरीय व्यवस्था की है जिसमें लेवल वन हर जिले में सीएससी को डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं ये, जिन हॉस्पिटल्स में और कुछ बेड आइडेंटिफाई किए गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री की बात कर रहा हूँ तो जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स है वो बता रहा हूँ, जिसमें कि कोविड के अलावा और किसी रोग का इलाज नहीं होता। हर जिले में हमने एक एक बनाया है, किसी जिले में एक से अधिक भी हैं, तो 78 हमारे लेवल वन के हॉस्पिटल हो गए हैं, और हमारे जो डेडिकेटेड लेवल टू के हॉस्पिटल हैं वो इस समय 13 निजी क्षेत्र के अस्पताल हमने नोटिफाई किया है और 6 जो है वो सरकारी क्षेत्र के अस्पताल हैं जिनको हमने नोटिफाई किया हुआ है, जो लेवल टू के डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं। इसके अलावे 45 और हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें भी लेवल टू की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। चूंकि ये बिल्कुल डेडिकेटेड नहीं है, इनमें और भी इलाज हो रहा है, दूसरे ब्लॉक्स में दूसरों का भी इलाज हो रहा है, इसलिए इनको हमने अभी पूरी तरह से नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन ये सारे बेड्स अवेलेबल हैं आइसोलेशन के लिए। और लेवल थ्री के हमारे 6 हॉस्पिटल्स हैं जो 200 बेडेड हैं और वो पूरी तरह से क्रिटिकल केयर के लिए, और जो वेंटिलेटर्स वगैरह हैं उनसे वो लैस हैं, वो पूरे प्रदेश में ज्योग्राफिकली फैले हुए हैं, उनको हमने नोटिफाई किया हुआ है। कुल मिलाकर के जो जनपद अभी तक प्रभावित हुए हैं इससे उनकी संख्या 40 है, 75 में से 40 जनपदों से संक्रमण के प्रकरण आए हैं। टेस्टिंग का काम लगातार बढ़ाया जा रहा है, कल हम लोगों ने
हम लोगों ने जब शुरू किया था तो जो प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से हम 150-200 सैंपल भेज रहे थे, बढ़ाते हुए हमने उसको 500 किया, फिर हमने उसको 800 किया। कल हम लोगों ने लैब्स में 1300 से ज्यादा सैंपल्स भेजे हैं और आज से उम्मीद है कि ये संख्या और बढ़ेगी। लैब्स 9 चल रहे हैं और कई लैब्स को और ICMR के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है, जो कि आज से या कल से बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे, जिनमें प्रयागराज का जो मेडिकल कॉलेज है वो लैब आज रात से शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा आगरा में SN मेडिकल कॉलेज, उसको भी ICMR ने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा जो राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट है यहाँ लखनऊ में, उसको भी ICMR ने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा एक ICAR का इंस्टीट्यूट है, IVRI बरेली में, वेटनरी का इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको भी ICMR के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। तो इन सभी लैब्स में अगले 1-2 दिन में टेस्टिंग का काम शुरू हो जाएगा, जिससे हमारी क्षमता और बढ़ जाएगी।